गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सेसी व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह 12 बजे से और अभी बजे हैं 1:15। मैं जा रही हूँ नहाने। आज हम जा रहे हैं मॉल। मॉल हमें 2-3 दिन से जाना है बट डिले हो जा रहा है। तो आज फाइनली संडे है। अगर आज नहीं गए तो फिर मंडे, कल से मायरा का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वही संडे तक का वेट करना पड़ेगा। इस बार मायरा की सैटरडे ऑफ थी कल, यानी कि कल था सैटरडे तो कल ऑफ थी, कल भी हम जा नहीं पाए, बिजी हो गए। फिर आज संडे आज जा रहे हैं। तो हमारा तो मन था सिलेक्ट सिटी वॉक जाने का, बट मतलब हमारा प्लान था सिलेक्ट सिटी वॉक जाने का, बट आज एक्चुअली जसमीत की बहन आई हुई है बाहर से, तो उनकी जो बेटी है ना अरलीन, उसका बर्थडे है आज। तो वो लोग एम्बियंस बॉल में बच्चों का जो प्ले एरिया होता है वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जसमीत ने कहा मायरा को भेज दे, तो मैंने कहा मम्मा संभाल नहीं पाएंगी क्योंकि आज सिर्फ मतलब बच्चों की दादियाँ और दादी नानी और बच्चे आ रहे हैं। आज उसकी दादी की फैमिली की साइड से सेलिब्रेट हो रहा है, अरलीन की दादी के फैमिली की साइड से सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो लोग मॉल में कर रहे हैं। तो इसलिए फिर जसमीत ने कहा भेज दे, मैंने कहा नहीं संभाल पाएगी और मेरे को भी तमन्ना चाहिए। तो और कहाँ एम्बियंस, कहाँ सिलेक्ट, बहुत दूर दूर पड़ जाएगा। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि हम लोग एम्बियंस मॉल ही चले जाते क्योंकि मॉल का सेम ही होता है एम्बियंस मॉल में, बल्कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। और सिलेक्ट सिटी तो हम जाते ही रहते हैं, इसी बहाने फिर हमें भी थोड़ा एम्बियंस मॉल घूमने का बहाना मिल जाएगा, वरना पता नहीं लास्ट में कब की गई हुई हूँ। तो बस फिर मैं नहाने जा रही हूँ, दीपू आने वाले हैं, नहाकर आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होकर। ठीक है, हेड भी वॉश करना है मुझे, ये मैंने कल एक कर्ल्स करे थे, अमेजोन का हॉल वीडियो करना था, मॉल जाने के लिए तैयार हुई थी बट फिर सडनली कुछ काम आ गया तो हम जा नहीं पाए। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके सो गाइज, अब मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और चाय और ब्रेड बटर, फटाफट से कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मॉल के लिए निकलना है, रेडी होना है। सो या किस किस को ऐसे चाय के अंदर की मलाई नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मैं बिल्कुल साइड कर देती हूँ, बट मैंने देखा काफ़ी लोग पी लेते हैं। मारे आपको नहीं खाना, चलो जल्दी से खा लो फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। स्कूल के लिए आज तो मारे का बर्थडे में जाना है, मैं तो भूल ही गया, मारे को स्कूल नहीं जाना। कहाँ जाएगी मारा बर्थडे में? चाय पीनी आपको? दो, मैं दो, मैं दो, इशारा कर रही है मुझे कि चाय में डिप करना है, दो मैं खिलाती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म के बारे में, और कहीं मत जाना, एंड तक देखना बिकॉज एंड में मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक स्पेशल कोड। जैसे कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन के कारण बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े, एंड सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। उनके स्कूल एकदम से बंद हो गए और सब ऑनलाइन हो गया, जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही अडेप्ट करने में उनको टाइम लग गया। ड्यूरिंग लॉकडाउन बच्चों की ऑफ्टन कंप्लेंट्स रहती थी कि ऐसे जूम क्लासेस और मीटिंग में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चों के डाउट्स भी सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो कुछ बच्चों के तो 10th और 12th के एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे विद अनसॉल्व डाउट्स। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अन अकेडमी करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू स्पेशल क्लासेस एंड आस्क अ डाउट फीचर्स। स्पेशली क्लासेस फीचर में आपको मिलती है अन अकेडमी की इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिटेल्ड लाइव क्लासेस विद लाइव चैटिंग, जिससे कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहो तो तभी आप पूछ सकते हो। इसके साथ ही रिकॉर्डेड फीचर्स जिससे कि आप रेफर कर सकते हो एनी टॉपिक, एंड ये सब आता है विद PDF नोट्स में। अगर आप क्लासेस में कुछ समझ ना पाए या आपको बाद में कभी कुछ पूछना है तो आप आस्क अ डाउट वाला फीचर्स भी यूज कर सकते हो। इसमें आप कभी भी 24/7 डाउट पूछ सकते हो एंड आपको असिस्ट किया जाएगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओवर 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स रिकॉर्ड हैं।
तो आपके आंसर्स इमिडिएटली भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ ये ऐप आपको होमवर्क और एग्जाम में भी असिस्ट करता है और ये सारे फीचर्स आप अनलॉक कर सकते हो मेरे स्पेशल कोड SSBlock10 के थ्रू, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। डिजिटल एजुकेशन को एक्सेप्ट करें एंड मेक द बेस्ट ऑफ दैट सिचुएशन थ्रू योर ओनली अनअकैडमी बाय विजिटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग माई कोड SSBlock10। सो या फटाफट से निकलते हैं, थोड़ा सा मुझे और रेडी होना है। मैं रेडी हो ही रही थी, मैं सोचा मैं शेयर कर दूं। सो या व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाय, जाओ जाओ, बाय बाय बाय। के तो 10 मिनट पहले मायरा निकली थी, उसके अब भी निकल गए हैं। मैं, दीपू और पीछे है तमन्ना और ये रे दीपू। वो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे ना ऑब्वियसली। 10 मिनट पहले निकले मुझे तेरी वजह से लेट होते हैं। 1 सेकंड, एक सेकंड खत्म। मुझे सोचने तो दो क्या बोलूं। मेरे वजह से कहाँ लेट हुए? तेरी वजह से होता है। हम तो उसका रिजल्ट भी तो देख लो, मैं कैसी लग रही हूँ। क्या रिजल्ट देख लो? मैं शादी पे थोड़ी जाना है, ये शूटिंग में थोड़ी जाना है। कैमरा बंद करके लड़ूं कैसी लड़ लूं? ऐसी लड़ ले। यहाँ बहुत तेज गाड़ी झुक जाएगी। ओए गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। कई सब जो अभी लड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। कैमरा बंद करके लड़ती हूँ, फिर थोड़े बाद दीपू के एक यहाँ नहीं लगा हुआ। लास्ट व्लॉग भी हो सकता है। और लास्ट व्लॉग भी हो। मैं तो व्लॉग तो क्या ना। चलो गाने चलाओ, मेरे को रील्स बनानी है। सो फाइनली वी रीच्ड और यहाँ पे दो मॉल एक साथ है, तो हमें भी पता भी नहीं है कि मायरा और मम्मा वगैरह सब कौन से वाले मॉल में है। अभी फिलहाल हम अपनी शॉपिंग करते हैं। मैं कुछ खा कर भी नहीं आई हूँ, भूख भी लग रही है मुझे। मॉल आओ तो कोई कुछ खा कर आता है क्या मॉल में? मैं खाता है। तुम अब कुछ मत खाना। मायरा कहाँ है यहाँ, वरना मैं उसको इसमें बिठाती यार। देखो बच्चे बैठ रहे हैं। दीपू मैं बैठ जाऊँ इसमें, तो मेरी वीडियो बना देना। बैठे आ रहे हैं, बिठाएंगे नहीं ना मुझे। तो प्ले जोन है यहाँ पर, एक बार देखते हैं। हमने अभी कॉल नहीं करा है किसी को भी, क्योंकि सब बिजी होंगे सेलिब्रेशन में। और मतलब देखो क्रिसमस को लेकर ज़्यादा ना कुछ सजाया नहीं, मतलब सिटी वॉक में मुझे लगता है ज़्यादा करते हैं। है एक जगह होती है जहाँ पे गुब्बारे रख देते हैं। गुब्बारे गुब्बारे बेचती नहीं, पहले मैं भी गुब्बारे बोलती थी, ये लोग सब मेरा बहुत मजाक बनाते थे। दीपू मैं पहले गुब्बारे को क्या बोलती थी? गुब्बारे गुब्बारे। इस बार हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्रिसमस, मुझे बहुत दुख है। अभी तक तो खैर कोई प्लान नहीं है। दीपू हम इस बार क्रिसमस यहाँ पे कुछ है कहाँ? अंदर कुछ नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं। सेकंड रुक। हाँ प्ले टाइम वही। थोड़ा सा बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली है, मतलब मायरा के लिए ली है ड्रेस और अलीन का बर्थडे, अलीन का गिफ्ट जो है वो मैं तभी दूंगी जिससे मैंने बताया था 21st को जसमीत के घर पे, यानी कि अलीन की नानी के यहाँ पे सेलिब्रेशन भी हो रही है आज, दादी की तरफ से है, तो मैं तब दे दूंगी इसको गिफ्ट। मैंने ले लिया है और वीर के लिए भी मैंने कुछ लिया है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बजाएंगे, ये बजा तो रहे हैं। क्या खाना है? मैंने बोला चाय, मतलब साथ में चाउमीन और चाय। कहते यहाँ पे भी चाय? मैंने चाय तो यार हर जगह है ना, चाय तो हर जगह खाती नहीं है। चाय ले लो और आपके। अबे यार दूसरे भी टेबल पे से देख के बोलते हैं मैंने ये खाना है, और जाके पूछो उसने क्या खा रहा है। जगह तो देखो पहले मम्मी। आप देख सकते हमें जगह ही नहीं मिली बैठने की, तो खड़े खड़े खा रहे हैं। वैसे भी मुझे ही खाना था, ये दोनों तो लंच करके आए थे, मतलब तीनों मायरा भी। मैंने ही नहीं खाया था कुछ, क्योंकि घर पे बनी थी क्या पता होगी सब्जी बनी। वापस आ गए फूड कोर्ट से नीचे और अब हम जा रहे हैं दीपू के लिए शूज़ देखने, हमेशा रह जाते हैं। और ऑनलाइन साइज़ नहीं अवेलेबल होता, जो भी दीपू को पसंद होते हैं तो वो चीज़ भी कर लेते हैं। मायरा को भी मैं दिखी नहीं,
मैंने बिल्कुल हमारे सामने बैठे थे मम्मा वगैरह, बट मैं नहीं गई कि कहीं वो फिर जिद ना करने लग जाए मम्मा मम्मा तम्मा दीदी डैडा, क्योंकि भी वो खेल रही है बच्चों के साथ, खेलने दो। यहाँ से दूसरे मॉल में देखो गाइस, ये मॉल मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, बस ये थोड़ा सा हमें दूर पर कौन सा ये अभी अरायंक सीरीज थी ना उसका उसका है ये, तो इसलिए मुझे मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और बस दूर पड़ जाता है। हाँ कितना कुछ है यार, मेरे के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ तो ले लो बचपन के टॉयज। दीपू ने देखो क्या करेक्टर कर दिया जी, कर दिया। वो नीचे ना एक स्टैंड है, आपके पास होते भी थे ना बचपन में, कौन सा करेक्टर लेना है? मायरे के लिए कुछ लेना, मुझे मायरा को यहाँ पे लेकर आना था, वो ना वो बस में ना बच्चों को घुमा रहे हैं भैया, मायरा का सब मिस हो रहा है, बट कोई नहीं आई एम श्योर वो ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होगी। चलो फिर अंदर चलते हैं, एंट्री लेते हैं। ये लगा लो, हाँ ये लगा लो ना, ग्रीन वाली लगा लो आप, बस ही लगोगे। कूल 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 कैप, चलो 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 जल्दी। यार ये ब्लैंकेट कितना सही है दीपू, कलर देखना, सूट्स भी हैं यहाँ, आप सूट्स भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर। चले क्या यार, वो देखो कितना सुंदर है यार, मुझे उस शॉप पे जाना है, बट इसके वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है दी, आते हुए खाऊंगा मैं आइसक्रीम फैन। एक्टिविटी एरिया भी बड़े बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे यहाँ पे हम आए हैं पहले मायरा को लेके इस एरिया में, वो देखो काफ़ी कुछ है, बस ये है कि दिन में लाओ बच्चों को, शाम को नहीं, विंटर्स में 12 बजे तक आ जाओ अपना, ताकि 1-2 बजे तक, 2:30, 3 तक भी धूप रहती है, वैसे तो 4 तक भी रहती है, बट 4 तक थोड़ी हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप बच्चों को ला सकते हो। दीपू के शूज देखने, देखना कुछ ना। चलो अच्छी डेकोर हो रखी है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स भी जाना है ना यार, सब खत्म हो रहा है मेरा, तो पहले काम कर। इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं बाथ एंड बॉडी, मेरे सारे मिस्ट खत्म हो गए, मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। दीपू को अपनी शूज की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, आप देखो मेरे तक पता आके देखो कोई ऑफर है बाथ एंड बॉडी पे। फेवरेट अभी हमने लिया है, कौन से लिए, पीच सबसे कोने वाला, स्नो स्नोई पीच चेरी, स्नोई पीच चेरी, इस साइड आओ, इस इधर भी है, इस वाले में देखो, वाओ ये भी अच्छा होगा। सो मैंने फाइनली ये वाला लिया, ये यही वाला फ्रेश निकालना ना, एक सेकेंड इसमें दिखा देना मुझे, हमें ना अगले एक हफ्ते तक ना नींद नहीं आने वाली है उससे ज़्यादा भी। मेरी लाइफ का सबसे पहला महंगा बैग मैंने लिया है आज ये, और दीपू मुझे बाबा कह रहे हैं अच्छा तो है ना, अच्छा तो है ना, कितने का, और मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मैं हमेशा सोचती थी जब भी मॉल जाऊँगी ना ये काम ज़रूर करूँगी कि बैग लूँगी एक अच्छा टोट बैग, क्योंकि मैं हमेशा कभी लाजपत नगर से ख़रीद लेती हूँ, कभी सरोजनी से, कभी रजौरी से, इससे क्या होता है ना ये जो महंगे बैग हैं अभी उस साल का 1-2 साल आराम से अगर आप अच्छे से ध्यान से रखते हो ना 5-6 साल भी निकल जाते हैं आपके अच्छे और महंगे वाले बैग में। अब मेरे को लेना है नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम है MK का बैग, वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है, ड्यूटी तो नहीं मैंने सोचा, बट हाँ मेरा ड्रीम है कि मैं उसका भी बैग लूँ ना। कहाँ मैंने अपने लिए शर्ट ले लो नहीं ली, अब ज़बरदस्ती करने पर अभी भी सोच रहे हैं, ठीक कह रहे अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं जाते हैं ऐसे ऐसे ही चलते हैं बाद में देख लेंगे, बट आज मैं इनको शूज़ दिला के ही लेके जाऊँगी। लोगे नहीं लोगे, होते कहाँ हैं अच्छे, चलो चलते हैं, मुझे पता है वापस आएंगे ऐसे ही बिना लिए पक्का। प्यूमा से वापस आएंगे, अब हम स्केचर्स आए हैं, स्केचर्स
अभी ना मुंह तो दिख नहीं रहा, वो तो बस ठीक जो कहते हैं ना मैंने बोला है तो देखने वाली वो है छोटी वाली सोल लेते ठीक है। अफगान के ड्राई फ्रूट्स, चलो 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 चलो। क्या वो पोपल वाली कितनी सही लग रही है, रात में तो इस मार्केट में और चार चांद लग गए हैं। जा रहे हैं मतलब हम ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, बस उनके पास जा रहे हैं, तो वहाँ मैं कुछ शूट नहीं करूँगी बिकॉज दीदी जीजू पर्सनली कैमरा शाये हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है कैमरे पर आना, तो मैं वहाँ जाके शूट नहीं करूँगी। और चाय ले रही हूँ तुमने पहले, एक को दे चाय पीनी है, चाय मैं चलूँ जब तक है मायरा का आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं मायरा को लेके जा रही हूँ और अब मैं मायरा को शूट करूँगी पर्सनली सिर्फ ताकि कोई ना आए। जीजू भी यहाँ पे है बट जीजू को कैमरे में लेना नहीं है, ध्यान ध्यान से करूँगी यार। अरे देखो मायरा वो देखो बीबी कैसे झूले झूलेगा अभी। और अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर दूँ, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय करा होगा। मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या